हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मेरे साथ है आज सावन कुमार ज्ञान। चलिए दोस्तों इनसे बात करते हैं आज। सावन, आप कौन से नेता को फॉलो करते हैं? जय भीम सबीरों, मेरा जय भीम। मेरा जो वर्तमान में नेता है वो एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी है, मैं उन्हें फॉलो करता हूँ। चंद्रशेखर आज़ाद जी ने हाल ही में सांसद की शपथ ग्रहण की है, क्या कहना चाहेंगे आप उनके सांसद की शपथ ग्रहण पर? देखो, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ नरेंद्र बिजनौरी महान जंतर जिन्होंने हमारा बड़ा भाई एडवोकेट चंद्रशेखर को इस काबिल बनाया कि आज सांसद अंदर अपने दहाड़े रहा। अच्छा, आपको चंद्रशेखर आज़ाद की कौन सी खूबियाँ पसंद है? देखो चंद्रशेखर में तो इतनी खूबियाँ जिसे मैं बता भी नहीं सकता, वो तो आप अपने आप देख सकते हो और सोशल मीडिया पर भी है और वैसे भी देख सकते हो, बहुत ज़्यादा। अच्छा, जो चंद्रशेखर आज़ाद जी है वे केवल दलितों के नेता है या किन जनताओं के नेता है या केवल दलितों के नेता है, आप बताइए। नहीं देखो, वे नेता सभी समाज का नेता है, ऐसे नहीं रहे दलितों के नेता, वे हिंदू वे सभी समाज का नेता है। अच्छा, उन्होंने नगीना से ही सीट क्यों चुनी सांसद बनने के लिए जबकि वो खुद सहारनपुर क्षेत्र से आते हैं? जहाँ पे पार्टी डिसाइड करती है ना, तो प्रत्यक्ष चुनाव वहीं से लड़ना होता है, ऐसे नहीं रहे आप सहारनपुर के रहने वाले हो सहारनपुर के और आप किसी दूसरे जिले में चुनाव नहीं लड़ सकते, ऐसे नहीं है। अच्छा, यानी कि आपका कहना है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी खुद को निर्णय नहीं लेते, वे अपनी पार्टी के निर्णय को सर्वोपरि रखते हैं। अच्छा, आप नगीना की जनता को क्या कहना चाहेंगे क्योंकि नगीना की जनता का मेन रोल है संसद तक उन्हें पहुँचाने में? नरेंद्र जनता मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, और जब तक मैं जीवन रहा मैं उन्हीं रहे धन्यवाद करता रहूंगा नरेंद्र जी। अच्छा, नगीना की जो लोकसभा सीट है उस पर मुस्लिम फैक्टर बहुत कामयाब रहा है, मुस्लिम फैक्टर का रोल मानते हो चंद्रशेखर के सांसद बनने में? हाँ बिल्कुल, मुसलमानों का बहुत सहयोग रहा है, उनको भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सावन कुमार ज्ञान जी, सुने आप किन के विचार? दोस्तों ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।